स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन को डिस्कस किया था, आज किसको करेंगे? एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल एनालिसिस को। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन इन एथेन Only two extreme conformers are possible, as all the three atoms of both the carbon atoms are same. So at the rotation of every 120 degree angle, we will get the same conformation. इथेन में क्या होता था कि यहाँ पर दूसरे दोनों कार्बन पर तीनों एटम सेम होते थे, CH3 CH3, ठीक है। दोनों कार्बन पर तीन तीन हाइड्रोजन एटम होते थे, तो इन दोनों कार्बन पर सेम एटम होने के कारण जब 120 डिग्री के हर 120 डिग्री पर घुमाते हैं तो सेम कन्फर्मर अपन को प्राप्त होता है। और वहाँ पर केवल दो ही कन्फर्मर स्टेगर्ड या एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ही एक्सट्रीम कंडीशन में होते हैं, एक्सट्रीम कन्फर्मर होते हैं। लेकिन एन ब्यूटेन में यहाँ पर इन कार्बन एटम के साथ साथ इन दो कार्बन एटम से एक दो तो हाइड्रोजन एटम और एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इन ब्यूटेन हाउएवर द सिचुएशन इज डिफरेंट। इन एन ब्यूटेन बोथ द एटम्स लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर अटैच विद वन मेथिल ग्रुप एंड टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। आप दिख रहा होगा आपको इन ब्यूटेन में इस कार्बन से दो हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और इस एन ब्यूटेन में तीन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ तीनों में रोटेशन पॉसिबल है। समझ में आ गई चीज़? तो यहाँ तीनों में कन्फर्मेशन पॉसिबल होने के कारण हमें दो प्रकार के स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त होते हैं, जिसको एक को तो गाउसिया फॉर्म होती है और एक स्टेगर्ड। अब ये देखो बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का बॉल और स्टिक मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक बॉल्स कार्बन को डिनोट करिए और ये हाइड्रोजन को डिनोट करिए। यहाँ पर इसमें भी रोटेशन पॉसिबल हो, यहाँ भी पॉसिबल हो, यहाँ भी पॉसिबल है। लेकिन अब जब जो कन्फर्मेशन अपन देखेंगे अभी जो कन्फर्मर्स, वो हम इस बॉन्ड में रोटेशन के द्वारा ही पढ़ेंगे। द स्टेगर्ड एंड एक्लिप कन्फर्मेशन कन्फर्मर्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द रोटेशन अबाउट द C2 एंड C3 बॉन्ड इन ब्यूटेन आर, इस C2 और C3 बॉन्ड में रोटेशन के कारण जो स्टेगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन प्राप्त होते हैं वह निम्न प्रकार से, ये देखिए आप एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल एनालिसिस, जिसमें 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर दोनों कार्बन एटम से जुड़े हुए मेथिल ग्रुप एक दूसरे से ढके हुए होते हैं, क्लियर, एक दूसरे के अलाइन होते हैं। 60 डिग्री से जैसे हम रोटेट करते हैं, अब यहाँ पर हमने पीछे वाले को फिक्स कर रखा है और आगे वाले से अपन क्या करें, रोटेट करें, सामने वाले को रोटेट करें, तो यहाँ से ये मेथिल ग्रुप और ये मेथिल ग्रुप है तो स्टेगर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर ये दो मेथिल ग्रुप पास पास आते हैं, तो दो प्रकार के स्टेगर्ड होते हैं, जिसमें से इस वाले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, गाउचे फॉर्म, क्लियर। ये कौन सी फॉर्म होगी, गाउचे फॉर्म। फिर बात करते हैं जब इसको फिर 60 डिग्री से घुमाते हैं तो हमें ये वाला इधर आएगा पास में, तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन प्राप्त होता है। और फिर 60 डिग्री से जब घुमाएं तो हमें ये डी कन्फर्मेश जो कि फुली स्टेगर्ड है प्राप्त होता है, क्लियर। ऐसे ही हम फिर 60 डिग्री से घुमाएं तो ये वाला कन्फर्म है, और ये न्यूमैन फंक्शन फॉर्मूला जो ऊपर दिखा रखा है अपन ने, ऐसे कन्फर्म है अपन को प्राप्त होते हैं। अब आप देखो कि जो ए वाला फॉर्म है, ए वाले फॉर्म में दोनों मेथिल ग्रुप एक दूसरे को ढके हुए हैं, ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म। जबकि जो डी वाली फॉर्म है, डी वाले में दोनों एक दूसरे के एंटी में होते हैं, तो ये कौन सी होती है, फुली स्टेगर्ड। और ये ए वाली कौन सी होती है, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। और ये जो बी और ये जो एफ, बी और एफ जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म होती है, गाउसिया फॉर्म होती है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज एनेंशियोमर्स हैं, बी और एफ, ये कौन सी, गाउसिया फॉर्म होती है। और सी और ई कौन सी होती है, एक्लिप्स्ड फॉर्म
फॉर्म, चूंकि ये फुली एक्लिप्स नहीं है, ओनली एक्लिप्स है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के रखा हुआ है सी एच थ्री ग्रुप, ठीक है। अगर दोनों सी एच थ्री एक दूसरे के अलाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं फुली एक्लिप्स, लेकिन यहाँ पर फुली एक्लिप्स नहीं है, ये कौन सी है, एक्लिप्स फॉर्म होती है। सेम न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला की तरह यहाँ पर स्वास फॉर्मूला भी हमने दिखा रखा है सभी का, ए बी सी डी और एफ का, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम बना सकते हैं, और ये नीचे वेजडेस फॉर्मूला बना रखा है। ये कंफर्मेशनल एनालिसिस है एन ब्यूटेन का, किस प्रकार से हम 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री पर किस प्रकार से रोटेशन जब करवाते हैं तो कौन कौन से कंफर्मर अपन को प्राप्त होते हैं, क्लियर। अब इसका जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, जैसे फुली एक्टिव कंफर्मेशन है उसको हम सिन पेरिप्लेनर भी बोलते हैं, और जो गाउसी फॉर्म है उसको सिन क्लाइनल, एक्लिप्स को एंटी क्लाइनल, फुली स्टेगर्ड को एंटी पेरिप्लेनर, एक्लिप्स को एंटी क्लाइनल और गाउसी को सिन क्लाइनल, ये नाम से भी हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जहाँ पर हमने एथेन में देखा था कि एक कन्फर्मर को दूसरे कन्फर्मर में यानी कि एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो रोटेशन है उसमें हमको कितनी एनर्जी चाहिए थी, 2.9 किलो किलो पर मोल, लेकिन यहाँ पर एन ब्यूटेन में कितनी एनर्जी चाहिए, देखो अलग अलग एनर्जी है ना यहाँ पर, देखो ये एक्लिप्स ए और ए 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब 360 डिग्री से घुमाते हैं और 0 डिग्री से घुमाते हैं तो फुली एक्लिप्स कंफर्म अपन को प्राप्त होते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ ये क्या है, ये कंफर्मर्स हैं ए बी सी डी जो यहाँ पर अपन ने बना रखे हैं, इन्हीं को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमने दिखाया है। तो डायग्राम को देखो अच्छे से, ए फुली एक्लिप्स फॉर्म है, तो यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 4.5 किलो कैलोरी पर मोल या 19 किलो जूल पर मोल। सी और ई क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 3.8 किलो कैलोरी पर मोल, क्लियर। और ये बी और एफ ये क्या है, ये गाउसिय फॉर्म है, गाउसिय फॉर्म आती है ना जिसमें दोनों मैथिल ग्रुप पास पास में होते हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0.87 किलो कैलोरी पर मोल या 3.6 किलो जूल पर मोल। और ये जो अपना डी है ये क्या है, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखो कि दो प्रकार के तो हैं मैक्सिमा और दो प्रकार के ही क्या हैं मिनिमा। दो प्रकार के मैक्सिमा कौन से है, ये ए ए, एक प्रकार का मैक्सिमा तो ये है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 4.5 किलो कैलोरी पर मोल, और एक प्रकार के हैं ये सी और ई, सी और ई इक्विवेलेंट एनर्जी पर है, क्लियर। ये कौन सी, एक्लिप्स फॉर्म। तो दो प्रकार के मैक्सिमा तो ये हो गए, और दो प्रकार के मिनिमा कौन से हो गए, एक तो बी और एफ जो कि गाउसिय फॉर्म है, और एक है डी, ये क्या है मिनिमा। टोटल जब 360 डिग्री एंगल से हम रोटेट करते हैं तो इस रोटेशन के दौरान हमें चार तो प्राप्त होते हैं मैक्सिमा, ए सी ई और ए, चार तो क्या है मैक्सिमा। अब ए तो सेम ही है 360 डिग्री की बात करें, लेकिन अपन तो चार मैक्सिमा हो गए और तीन क्या है मिनिमा, ये हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक कन्फर्मर में जो ए है उसमें मैथिल ग्रुप एक दूसरे को ढके हुए होते हैं, सी और ई में एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं, मैथिल के पीछे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, ये हम पिछले डायग्राम में देख चुके हैं। अब देखिए क्या क्या होता है, फॉर ए मॉलिक्यूल देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बट फाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्म, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इनफाइनाइट असंख्य संख्या में कन्फर्मर्स हो सकते हैं, क्योंकि कन्फर्मर्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन के कारण हो रहे हैं और जिसके लिए एनर्जी बहुत कम जरूरत होती है, तो वहाँ पर असंख्य है, एक थोड़ा सा भी अगर बहुत मिनिमम अमाउंट में अगर
अब डाइडल एंगल से भी रोटेट करें तब भी हमें नया कन्फर्मर प्राप्त होता है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होते हैं, उनके फाइनाइट नंबर यानी कि संख्या सीमित होती है। कन्फर्मर्स आर आल्सो कॉल्ड रोटामर्स और फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स। कन्फर्मर्स को रोटामर्स भी कहते हैं और फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन अबाउट 360 डिग्री टोटल 4 मैक्सिमा एंड 3 मिनिमा विल बी ऑब्टेन। 360 डिग्री से रोटेट करने पर हमें 4 प्रकार के मैक्सिमा और 3 मिनिमा प्राप्त होते हैं। इन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैक्सिमा एंड 2 टाइप्स ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट। अब देख चुके हैं हम। एट 0 केल्विन टेम्परेचर 3 कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन विल बी ऑब्टेन, 1 फुली स्टेगर्ड एंड 2 गाउचे फॉर्म। ये देखिए आप, जब 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर 3 कन्फर्मर प्राप्त होते हैं, एक तो ये स्टेगर्ड फॉर्म और ये गाउचे फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो एग्जिस्ट फॉर्म है ये स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में आने की कोशिश करते हैं, नीचे आने की कोशिश करते हैं, और हमें केवल 3 कन्फर्मर ही प्राप्त होते हैं, एक तो ये बी ई e, वो बी एफ और डी, 2 गाउचे और एक स्टेगर्ड फॉर्म। ये दोनों गाउचे फॉर्म एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स होते हैं। 8 0 केल्विन टेम्परेचर ब्यूटेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। 0 केल्विन टेम्परेचर ब्यूटेन है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। द कन्फर्मर ए इन विच वन मेथिल ग्रुप स्टैंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द अदर हैज डायडल एंगल ऑफ 0 डिग्री, एंड वेयर इज द कन्फर्मर डी इन विच द मेथिल ग्रुप्स आर अपोजिट ईच अदर हैज डायडल एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब हम देख चुके हैं डायग्राम में कि कन्फर्मर ए में, देखो डायग्राम वापस देखो, कन्फर्मर ए में ये दोनों मेथिल ग्रुप एक दूसरे के डायरेक्ट होते हैं, यानी एक दूसरे के ढके हुए होते हैं अध्यारोपित एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो डायडल एंगल आता है वो होता है 0 डिग्री, और डी में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, एंटी होते हैं, तो यहाँ पर डायडल एंगल होता है 180 डिग्री। ऑफ द 3 स्टेगर्ड कन्फर्मर डी हैज़ द 2 मेथिल ग्रुप्स एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, सो डी इज मोर स्टेबल देन द अदर 2 स्टेगर्ड कन्फर्मर बी और एफ। डी इज कॉल्ड द एंटी कन्फर्मर एंड बी एंड एफ आर कॉल्ड द गाउचे कन्फर्मर। क्लियर, ये भी हमने बात की कि 3 स्टेगर्ड कन्फर्म होते हैं जिसमें एक तो स्टेगर्ड होता है और 2 होते हैं गाउचे फॉर्म। गाउचे फॉर्म में क्या होता है, दोनों मेथिल ग्रुप पास पास होते हैं, जिनकी जिसके कारण उनकी एनर्जी जो पास पास होने के कारण रिपल्सन होगा, गाउचे गाउचे इंट्रेक्शन, तो उसके कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है स्टेगर से। स्टेगर मोर स्टेबल होता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। जो स्टेगर होता है वो एंटी कन्फर्म होता है, जो गाउचे फॉर्म होता है वो गाउचे होता ही है, ठीक है। अब द 2 गाउचे कन्फर्मर्स हैव द सेम एनर्जी, दोनों गाउचे फॉर्म की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। द एंटी एंड गाउचे कन्फर्मर्स हैव डिफरेंट एनर्जीज बिकॉज ऑफ स्टेरिक स्ट्रेंथ। जो एंटी और गाउचे कन्फर्मर्स हैं, एंटी यानी स्टेगर्ड कन्फर्मर और गाउचे कन्फर्मर, दोनों की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्यों, क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेंथ पाया जाता है गाउचे कन्फर्मेशन। स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है, स्टेरिक तनाव क्या होता है, स्टेरिक तनाव वह तनाव होता है जो कि मॉलिक्यूल्स जब पास पास होते हैं एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दोनों का, उनमें रिपल्सन के कारण जो तनाव उसको महसूस होता है उसी को हम बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। चूँकि गाउचे फॉर्म में दोनों मेथिल ग्रुप पास पास होते हैं, जबकि एंटी फॉर्म में दोनों मेथिल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, जिसके कारण स्टेगर्ड फॉर्म में यानी एंटी फॉर्म में स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता है, लेकिन गाउचे फॉर्म में दोनों मेथिल ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक स्ट्रेन होने के कारण उनमें पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, समझ में आ गया। तो और जो स्टेरिक स्ट्रेन है वह ग्रुप्स जो एटम्स जो पास पास होते हैं उनकी साइज बढ़ने पर बढ़ जाता है, समझ में आ गई, साइज जैसे इनकी जो होगी ग्रुप्स की एटम्स की, तो स्टेरिक स्ट्रेन में इंक्रीज होता है। द एक्विस्ट कन्फर्मर्स आल्सो हैव डिफरेंट एनर्जी। जिस प्रकार से एंटी और गाउचे में जो डिफरेंट एनर्जी होती थी, उसी प्रकार एक्विस्ट कन्फर्मेशंस में भी डिफरेंट एनर्जी पाई जाती है, एक तो फुली एक्विस्ट के अपने और एक एक्विस्ट कन्फर्मर। तो द एक्विस्ट कन्फर्मर
इन विच द टू मैथिल ग्रुप्स आर क्लोजेस्ट टू इच अदर, जैसे ए में जिसमें दो मैथिल ग्रुप एक दूसरे क्लोज होते हैं, एक दूसरे के ढके होते हैं, उनमें रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण वो लेस स्टेबल होता है। जबकि जो एक्लिस कंफर्म है जिसमें दोनों ग्रुप एक दूसरे दूरी पर होते हैं जैसे सी और ई, वहाँ पर वो रिपल्सन कम होता है। समझ में आ गई चीज? तो जो फुली एक्लिप्स कंफर्म है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, अपने ग्राफ में भी देख चुके हैं कि वो हाईएस्ट एनर्जी पर है। जबकि जो दोनों एक्लिप्स कंफर्मेंस हैं सी और ई, उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कम होती है क्योंकि उसमें दो मैथिल ग्रुप थोड़े दूर होते हैं। समझ में आ गया? यह रेफरेंस है जी, धन्यवाद।